A very good morning to all of you. Just a moment, bache, just hold. Very good morning to all of you. Two questions were there for your homework. I hope you would have done. If there is any doubt in that, you can ask. Otherwise, we will start with the extra questions today. If any of the doubts is there in the homework parts, question number 16 and 17 were your homework parts. If any doubt is there, you can ask. You can unmute yourself and ask. So I hope no doubts are there. So let us start with the extra questions of this chapter. Number two. Now the first question we are having. Evaluate sine of 3 sine inverse 0.4. Evaluate sine of 3 sine inverse 0.4. अब हमें देखो जो है फॉर्मूला पता है 3 sine inverse x का वो हम अप्लाई तो दिस विल बी इक्वल टू 3 sine inverse x दिस इज इक्वल टू sine inverse 3x minus 4x cube. ये फॉर्मूला हमें पता है इसका ये फॉर्मूला करेंगे 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube. So this is equal to sin of ये as it is आ गया 3 sin inverse x x की जगह 0.4 अप्लाई करेंगे so this is sin inverse 10 3x x की जगह हमने क्या लेना है 0.4 minus 4x cube. X cube की जगह अगेन 0.4. तो ये हमारे पास आ गया sin of ये वाला sin as it is. ये sin inverse formula वाला. Then 3x ये multiply का sin है. इसको ऐसे लिखते so that there is no confusion. So 3 into 0.4 minus 4x cube की जगह minus 4 into 0.4. अब इसको आप सिंपलीफाई कर लोगे दिस इज साइन ऑफ साइन इनवर्स 3 इंटू 0.4 दिस इज 1.2 एंड 4 इंटू 0.4 का क्यूब सो दिस इज 1.2 माइनस इसको जब आप सिंपलीफाई कर लोगे यू विल गेट 0.256 देन दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ sin inverse 0.944. Now this lies between minus 1 to plus 1. So sin of sin inverse x is equal to x if x lies between minus. So this is 0.944. So this is your answer. Hame given tha sin of 3 sin inverse 0.4. So humne 3 sin inverse x ka formula. Sin inverse 3x minus 4x cube. So this is sine of sine inverse ye wala formula wala as it is 3x ki jagah 0.4 minus 4 x cube ki jagah 0.4 ka cube. Brackets simplify ki ye aa gaya. Now this value lies between minus 1 to plus 1. So ye aapka jo hai direct answer aa jayega. Otherwise aapko usko convert karna padta hai. Now moving on to the next question. अब हमें गिवन है यहाँ पे कि x, y और z जो है दे बिलोंग टू माइनस 1 टू 1 स्टेटमेंट बच्चे मैं पूरी लिख रही हूँ ये आप साथ के साथ लिखते जाना अब ये मुझे गिवन है कि माइनस 1 से 1 को बिलोंग कर रहे हैं और इस तरीके से बिलोंग कर रहे हैं सच दैट साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स जेड जो है आपका दैट इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2
sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z is equal to 3 pi by 2. और मुझे वैल्यू फाइंड करनी है. फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 2014, y टू द पावर 2015, z टू द पावर 2016 प्लस माइनस 9 अपॉन x टू द पावर 2014, y टू द पावर 2015 एंड z टू द पावर 2016. अब देखो हमें जो है वो गिवन है साइन इनवर्स की टर्म्स, और हमें ये पता है कि जो साइन इनवर्स x है, जब भी x जो है वो बिलोंग करता है माइनस वन से वन के बीच में, इफ x बिलोंग्स टू दिस, तो इसका मतलब क्या है, जो आपका साइन इनवर्स x होता है वो बिलोंग करता है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच. जब x की वैल्यू आपकी माइनस वन से वन के बीच में आती है तो साइन इनवर्स x की वैल्यू आपकी माइनस पाई टू के बीच में आती है. इट मींस कि जो ये मुझे यहाँ पे तीनों टर्म्स गिवन है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स z, इनका जो सम मुझे गिवन है वो 3 पाई बाय 2 गिवन है. और मैं अगर इसके अकॉर्डिंगली देखूं तो मैक्सिमम वैल्यू मेरी क्या हो सकती है, पाई बाय 2. पाई बाय 2 से कम होती है, पाई बाय 2 से ज्यादा नहीं हो सकती. तो इट मीन्स कि इन तीनों का सम जो है मेरा वो 3 पाई बाय 2 कब आएगा, जब ये तीनों के तीनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि पाई बाय 2 लेके चले. दोबारा देखो इस चीज को, हमें यहाँ पे गिवन था, मैं सिर्फ एक x की टर्म्स में मैं समझा रही हूँ, y और z की टर्म्स में भी सेम चीज है. मुझे यहाँ पे गिवन है कि x, y और z जो है वो माइनस वन से वन को बिलोंग कर रहे हैं, और इस तरीके से बिलोंग कर रहे हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, इन तीनों का जो सम है वो 3 पाई बाय 2 मुझे गिवन है, इनकी वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है. अब मैं पहले जो मुझे गिवन है उस पे कंसंट्रेट कर रही हूं, मैं उसके कांसेप्ट को समझ रही हूं. मुझे गिवन है x बिलोंग्स, मैंने अभी सिर्फ x पे कंसंट्रेट किया, x जो है वो माइनस वन से वन को बिलोंग कर रहा है. जब भी ये चीज हमें पता है कि जब भी x माइनस वन से वन को बिलोंग करता है तो साइन इनवर्स x की माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू को बिलोंग करती है, यानी कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज माइनस पाई बाय टू, जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज पाई बाय टू. तो जब ये माइनस वन से वन को बिलोंग करेगा तो इट मींस साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय टू होगी, साइन इनवर्स वाई की भी वैल्यू मैक्सिमम पाई बाय टू होगी, सेम वे में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स जेड विल ऑल्सो बी पाई बाय टू. नाउ देयर सम टोटल वी आर गिवन इज 3 पाई बाय 2, which is possible if and only if all of these are equal to pi by 2. All of these are having their maximum value as pi by 2. So, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आप लिख दोगे, if x belongs to this, the sine inverse belongs to this. So, this implies maximum value of sine inverse x is pi by 2. Similarly, maximum value of sine inverse y and sine inverse z is also pi by 2. अब maximum value आ गई हमारे पास, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मुझे ये given है sine inverse x plus sine inverse y plus sine inverse z, that is 3 pi by 2. तो इस 3 pi by 2 को मैं pi by 2 plus pi by 2 plus pi by 2 लिख सकती हूँ. अब इसका मतलब क्या हुआ कि साइन इनवर्स एक्स मैंने यहाँ से ये शो कर दिया, तो इट मींस साइन इनवर्स एक्स जो है वो पाई बाय टू, साइन इनवर्स वाई भी पाई बाय टू और साइन इनवर्स जेड भी पाई बाय टू. अब अगर ये पाई बाय टू के इक्वल है तो इट मींस एक्स वाई जेड की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1. तो एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाय टू, that is 1. Same way में y is equal to 1, same way में z is equal to 1. अब ये तीनों values x, y, z की जो है मेरे पास 1 आ गई, यहाँ पे put करोगे and you will get your answer. 1 की power जो मर्जी हो जाए that will give you 1. So therefore x to the power 2014, y to the power 2015, z to the power 2016 minus 9 upon में भी same चीज है.
this is equal to 1 plus 1 plus 1 minus 9 upon 1 plus 1 plus 1. So this is 3 minus 9 by 3, that is 0. So iska jo aapka result aaya, that is equal to 0. So statement dekh ke aapne ghabrana nahi hai, ki statement bahut badi si aa gayi hai, so it will be difficult. पर आपने उसको ध्यान से करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में मैं मतलब दो तरह का है क्वेश्चन, स्टेटमेंट आपको देखने में सेम लगेगी बट उनके जो इंटरवल्स हैं वो डिफरेंट हैं, और इंटरवल्स जो हैं डिफरेंट होने के कारण हमारा जो रिजल्ट है वो डिफरेंट आता है, वो वेरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे गिवन है टैन इनवर्स रूट वन प्लस कॉस एक्स प्लस रूट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन रूट वन प्लस कॉस एक्स माइनस रूट वन माइनस कॉस एक्स। और इसको मुझे शो करना है इक्वल टू पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू, और जो मुझे इंटरवल गिवन है दैट एक्स लाइज बिटवीन जीरो टू पाई बाय टू, एक्स जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता tan इनवर्स रूट वन प्लस कॉस एक्स प्लस रूट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन रूट वन प्लस कॉस एक्स माइनस रूट वन माइनस कॉस एक्स and this is equal to pi by 4 plus x by 2. ये मुझे प्रूफ कर, and x lies between 0 to pi by, अब यहाँ ध्यान से देखो मुझे ये गिवन है 1 plus cos x 1 minus cos x, यहाँ पे हमने बुक में भी इस तरह का क्वेश्चन किया होगा, ये जब मुझे 1 plus cos x की फॉर्म में गिवन होता है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं रूट की फॉर्म, रूट में है तो रूट की फॉर्म में आएगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला ये बताऊंगा 2 cos square theta is equal to 1 plus cos double of the angle. तो यहाँ पे मुझे 1 plus cos double of the angle given है, मुझे 2 cos square half of the angle का फॉर्मूला लगाना, so this is root as it is आ जाएगा 2 cos square x by 2, 2 cos 1 minus है तो sin की टर्म्स में आ जाएगा, so this is 2 sin square half of the angle upon में भी इसी तरीके से 2 cos square half of the angle minus 2 sin square half of the angle, left hand side हम लेके चलते हैं, right hand side हम close करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्योंकि जो हमारा x है वो 0 से pi by 2 के बीच में lie कर रहा है, तो यहाँ x by 2 आ गया, तो x was lying between 0 to pi by 2, the x by 2 will lie between 0 to pi by 4. आपने क्या करने है? हर एक टर्म को आपने ये लीनियर इनइक्वालिटीज में किया हुआ है प्लस वन में, यहाँ हम क्या करेंगे हर एक टर्म को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा कि x by 2 जो है वो lie कर रहा है 0 से pi by 4 के बीच। अब 0 से pi by 4 के बीच में जब ये lie करेगा यानी कि 0 to 45 डिग्री lie कर रहे हैं, तो cos x by 2 और sin x by 2 both will be positive in between 1 by 4. ये दोनों values positive हैं, तो जब हम root लेंगे इनका, root लेते हुए हमने इनकी positive values ही लेनी है, आगे negative sign नहीं लगेगा, otherwise हमें पता है कि जब हम root लेते हैं तो we get both the values positive as and negative, but यहाँ पे हमने क्या करना है positive values इनकी लेके चलनी है, so this is root 2 cos x by 2, root 2 sin x by 2, रूट टू न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर में से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दोगे, और उसके बाद क्योंकि बाहर टैन इनवर्स की फॉर्म में है तो हमने क्या करना है इसको टैन की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, टैन की टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए वी नो दैट साइन अपॉन कॉस जो है वो टैन देता है हमें, तो हम क्या करेंगे चारों टर्म्स को रूट टू कॉस एक्स बाय टू से डिवाइड कर देंगे, सो ये बन जाएगा हमारा टैन इनवर्स या कॉमन लेके आप ऐसे भी कह सकते हो कि न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर में से आप रूट टू कॉस एक्स बाई टू कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, जैसे मर्जी आप डिवाइडिंग
and multiplying by root 2 cos x by 2. So this becomes tan inverse. Ye jayega root cos 2 cos x by 2 plus root 2 sin x by 2. इनको हमने दोनों को डिवाइड किया रूट टू कॉस एक्स बाय टू से. और सेम वे में डिनोमिनेटर में रूट टू कॉस एक्स बाय टू माइनस रूट टू साइन एक्स बाय टू, ये आपका कैंसल आउट होके वन हो जाएगा. ये कैंसिल आउट होके पाई बाय फोर, दिस इज टेन एक्स बाय टू, दिस इज वन माइनस टेन एक्स बाय टू. अब यहाँ पे देखो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा, दैट इज टेन ऑफ पाई बाय फोर प्लस थीटा, टेन फोर्टी फाइव प्लस थीटा का ये आपका फॉर्मूला बन रहा है. सो दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन ऑफ पाई बाय फोर प्लस थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे क्या है एक्स बाय टू. तो टेन ऑफ पाई बाय फोर प्लस थीटा, नाउ दिस इज टेन इनवर्स ऑफ टेन. अब क्योंकि एक्स आपका जीरो टू पाई बाय टू के बीच में लाए कर रहे हैं, तो हमें ये चीज शो करनी है एक्स, दिस एक्स को हमने कन्वर्ट करना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हम ऑलरेडी ले चुके थे कि x by 2 हमारा 0 to pi by 4 के बीच में लाए कर रहे हैं, तो हमें जो है pi by 4 plus x by 2 को चेक करना है. तो pi by 4 हमने ऐड कर दिया हर साइड पे, तो ये आ गया मेरा pi by 4 plus x by 2 जो है that lies between pi by 4 to pi by 2, pi by 4 to pi by 2, यानी कि this is again first quadrant. तो क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली है, तो दिस इज पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू. सो दिस इज योर आंसर. सी दिस वंस अगेन, हमें गिवन था टेन इनवर्स रूट वन प्लस कॉस एक्स प्लस रूट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन रूट वन प्लस कॉस एक्स माइनस रूट वन माइनस कॉस एक्स. इससे हमें प्रूव करना है दैट दिस इज इक्वल टू पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू व्हेन एक्स लाइज बिटवीन जीरो टू पाई बाय टू. हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर लिया हाफ ऑफ द एंगल में. तो वन प्लस कॉस एक्स जो है अंडर द रूट है, तो ये रूट टू कॉस स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल बन गया. वन माइनस था तो रूट टू साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल. सेम वे में डिनोमिनेटर में और बीच में ये प्लस माइनस के साइन एज इट इज लग गए. नाउ एक्स क्योंकि लाई कर रहा था आपका जीरो टू पाई बाय टू के बीच में, यहाँ पे हमने हाफ ऑफ द एंगल में कर दिया. तो यहाँ हमने क्या किया, हर टर्म को 2 से डिवाइड कर दिया. तो हमारे पास आ गया कि जो x by 2 है that will lie between 0 to pi by 4. अब क्योंकि ये 0 to pi by 4 के बीच में आपका lie कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका cos of the angle है, यानी कि cos x by 2 जो है और sin x by 2 जो है वो आपका greater than 0 है. तो इन दोनों को हमने यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया. Then, हमने हर टर्म को रूट टू कॉस एक्स बाय टू से डिवाइड कर दिया. हमारे पास ये टेन की टर्म्स में आ गया. टेन की टर्म्स में हमने इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि बाहर हमारे पास टेन इनवर्स था. अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा, दैट इज टेन ऑफ पाई बाय फोर प्लस थीटा. थीटा एक्स बाय टू था तो यहाँ पे एक्स बाय टू की टर्म्स में आ गया. अब हमें इसको चेक करना है टेन इनवर्स टेन x जो है वो इक्वल टू x कब होता है, उस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा. तो उसके लिए हमने क्या किया, x by 2 जो था हमारा 0 to pi by 4 लाए कर रहा था, बट हमें pi by 4 plus x by 2 को चेक करना है. तो हमने हर इनइक्वालिटी में pi by 4 ऐड किया, तो हमारे पास आ गया कि जो pi by 4 plus x by 2 है that will lie from pi by 4 to pi by 2 which is in between minus pi by 2 to pi by 2. तो ये आपका जो है रिजल्ट होल्ड कर रहा है. therefore tan inverse of tan theta is equal to theta. तो ये आंसर आ गया आपका pi by 4 plus x by 2 जो हमें प्रूव करना था. अब सेम क्वेश्चन है, सेम स्टेटमेंट है, बस आपका जो इंटरवल है नेक्स्ट में वो चेंज हो रहा है. इंटरवल आपका बनेगा pi to 3 pi by 2. अब जब ये pi to 3 pi by 2 बन रहे हैं, तो उस टाइम पे
आपका जो ये साइन है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि जब मुझे इंटरवल गिवन है पाई टू थ्री पाई बाय टू, आई हैव टू प्रूव दैट पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू के इक्वल है ये चीज। तो इंटरवल चेंज होने पे देखो यहाँ पे आपका साइन चेंज हो जाएगा। सेम स्टेप्स करने हैं आपने, सेम वे में करना है, ये स्टेप आपका सेम रहेगा। अब जो आपका स्टेप चेंज होगा वो यहाँ पे चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको x गिवन है बिटवीन 3 पाई बाय 2 एंड 5। तो जब आप इसको x बाय 2 की टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो x बाय 2 की टर्म्स में कन्वर्ट करने पे ये आपका ये बन जाएगा। अब पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 इज 135 डिग्री और पाई बाय 2 इज 90 डिग्री। 90 टू 135 मींस दिस इज सेकंड क्वार्टर। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आपकी कॉस वाली टर्म है ये क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। तो यहाँ पे आपका माइनस का साइन। तो ये ध्यान रखना है आपने इंटरवल्स के साथ। अभी तक हमने बुक के अकॉर्डिंगली जितने क्वेश्चंस किए थे उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, बट जब आपको इंटरवल, उसमें नो डाउट कि इंटरवल हमें गिवन थे, हमें चेक करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई करता था। बट यहाँ पे क्योंकि इस डबल एंगल को जब हम हाफ ऑफ द एंगल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हमारा जो क्वाड्रेंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है साइन हमारा पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। यहाँ नेगेटिव साइन ये वाला एज इट इज लगा है, बिकॉज प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो यहाँ पे ये वाला साइन वो वाला लगा है। अदरवाइज ये जो है यहाँ पे नेगेटिव साइन हमने इसके लिया है क्योंकि हमारा जो क्वाड्रेंट है वो सेकंड बन रहा है। सेकंड में जो आपका कॉस थीटा है वो लेस देन जीरो होता है, सो ये हमने यहाँ पे माइनस ले लिया। अब आगे आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा। माइनस का साइन अगर मैं ऊपर नीचे से कॉमन लेती हूँ, ये तीनों टर्म्स मेरी पॉजिटिव बन जाएंगी और ये वाली टर्म आपकी नेगेटिव बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा, वन माइनस टेन एक्स बाय टू अपॉन वन प्लस टेन एक्स बाय टू हो जाएगा। वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा इज पाई बाय फोर माइनस थीटा। अब सेम वे में जब आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपका जो पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू को हमें चेक करना है तो ये अकॉर्डिंगली आपका चेंज। देखो एक्स बाय टू जो है वो आपका लाई कर रहा है पाई बाय टू से थ्री पाई बाय फोर के बीच में। हमें जो है आप चेक करना है पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू को, यानी कि आप इसको क्या कर रहे हो, माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर। तो जब आप ओवरऑल इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस विल बी लाइन बिटवीन माइनस पाई बाय फोर टू माइनस पाई बाय टू। तो अकॉर्डिंगली दिस इज अगेन जो है आपका उसमें लाई कर रहा है, इसके डोमेन में लाई कर रहा है माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में ये लाई कर रहा है। तो यहाँ पे अगेन दिस इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ मेन यहाँ पे जो है वो चेंज हुआ है क्योंकि क्वाड्रेंट आपका सेकंड बन गया, तो ये सारी टर्म्स आपने पॉजिटिव ना लेके नेगेटिव ले लेनी है। कॉस वाली टर्म्स नेगेटिव ले लेनी है, साइन वाली टर्म्स पॉजिटिव ले लेनी है एंड देन यू विल प्रोसीड इन द सेम। अब नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन थोड़ा सा अलग टाइप है, प्लस वन में वैसे हमने इस टाइप का किया हुआ है। इफ एनीवन विल बी हैविंग एनी डाउट सो यू कैन आस्क, अनम्यूट कर लेना अपने आप को एंड यू कैन आस्क। नाउ वी आर हैविंग कॉस इनवर्स 3 बाय 5 कॉस एक्स प्लस 4 बाय 5 साइन एक्स। अब अगर इसको आप ध्यान से देखो तो मेरे पास 3 बाय 5 और 4 बाय 5 है। अगर मैं इसको यहाँ पे देखूं 3 बाय 5 को, तो 3, 4 और 5 इनके कॉम्बिनेशन से मुझे एक राइट ट्राइंगल मिलती है। तो इट मींस मैं 3 बाय 5 और 4 बाय 5 को इकट्ठा अगर लेके चलूं, यानी कि एक को मैं कॉस की टर्म्स में पुट कर लूं, दूसरे को मैं साइन की टर्म्स में पुट कर लूं, तो मेरे पास जो है मुझे इजीली वैल्यू मिल सकती है कि ये कहाँ पे क्या चीज लाइक है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको जो है क्योंकि बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर वाली टर्म को मुझे कॉस की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। मोस्टली इसके क्वेश्चंस आप देखोगे इसी तरीके से हो रहे हैं,
कि जो बाहर गिवन है मुझे अंदर उसी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. बाहर अगर कॉस इनवर्स गिवन है तो अंदर मुझे इसको कॉस की टर्म्स में जो है वो एक्सप्रेस करना है. तो इसको कॉस की टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे हम अगर फॉर्मूला ले लें सम हाउ कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो दैट इज कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो वो कॉस की टर्म्स में आ जाएगा. तो सेम चीज हम करेंगे यहाँ पे, तो 3/5, 4/5 क्योंकि एक ही उसके ट्राइंगल के पार्ट्स बनते हैं राइट ट्राइंगल के, 3, 4, 5 आपको पता है दैट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. तो हम इसको जो है क्योंकि मुझे यहाँ कॉस चाहिए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बनाना है, तो इसको मैं कॉस थीटा की टर्म्स में पुट कर लूंगी, इसको मैं साइन थीटा की टर्म्स में पुट कर लूंगी. बट क्योंकि ये मुझे रेशियो के फॉर्म में गिवन है तो मैं इसको ले लूंगी 3/5 आर कॉस थीटा, और ये मेरा हो जाएगा आर साइन थीटा. अब स्क्वायरिंग एंड एड, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 9/25 प्लस 16/25, दैट इज इक्वल टू 1. आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आइडेंटिटी है. तो यहाँ से मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1. पॉजिटिव वैल्यू ले लूंगी मैं, आर इज इक्वल टू 1 ले लेंगे यहाँ पे. अब सेम वे में मुझे जो है अब निकालना है कि यहाँ पे जो मेरा थीटा है इसको मैं किससे रिप्लेस करूं, क्योंकि अगर मैं इधर से लूं तो ये मेरा कॉस की टर्म्स में आएगा, अगर मैं इधर से लूं ये मेरा साइन की टर्म्स में आएगा. तो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, टैन की टर्म्स में. अब जब मैं आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा करूंगी तो साइन मेरा 4/5 है, आर मेरा 1 है तो 1 आ गया वहां पे, कॉस मेरा ये है तो ये कैंसिल आउट होके टैन थीटा मिल गया मुझे 4/3, यानी कि थीटा मिल गया मुझे टैन इनवर्स 4/3. ये मैंने क्यों किया, क्योंकि जब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगी तो मेरे को जो वैल्यूज मिलेंगी वो थीटा की टर्म्स में मिलेंगी, क्योंकि मैंने कॉस थीटा और साइन थीटा लिया. लेट अस सी दिस कि किस तरीके से थीटा की टर्म्स में मिलेंगी. तो वो लास्ट में थीटा को जो है मुझे रिप्लेस करना होगा, तो मैंने उसके लिए ये थीटा की वैल्यू लिखा. अब इस पे हम आ जाएंगे वापिस, हम इसको रिप्लेस करेंगे, ये बन जाएगा कॉस इनवर्स 3/5 की जगह हमने पुट करना है. यहाँ से आ गया मेरा आर इक्वल टू 1 इंप्लाइज 3/5 इक्वल टू कॉस थीटा एंड 4/5 इज इक्वल टू साइन. आप अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो कि 3/5 को कॉस थीटा पुट कर लो और 4/5 को साइन थीटा पुट कर लो, दैट विल ऑल्सो. तो ये हमारा बन गया 3/5 की जगह आ गया कॉस थीटा कॉस एक्स प्लस साइन थीटा साइन एक्स. अब ये मेरा फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, दैट इज कॉस इनवर्स कॉस ऑफ एक्स माइनस थीटा. ये चीज आ गई है मेरे पास. अब कॉस इनवर्स और कॉस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, रह क्या गया मेरे पास एक्स माइनस थीटा. यहाँ पे क्योंकि थीटा मुझे रिप्लेस करना था तो इसलिए मैंने इसको इस टर्म से, सो दिस इज टैन इनवर्स 4/3. आंसर आ गया मेरा x माइनस टैन इनवर्स 4/3. तो दिस इज योर क्वेश्चन, इस टाइप का एक क्वेश्चन लिखो दैट यू विल ट्राई योरसेल्फ. दिस इज योर होमवर्क पार्ट. साइन इनवर्स 5/13 कॉस x प्लस 12/13 साइन. अब यहाँ पे एक चीज का आपने ध्यान रखना है, बाहर क्योंकि साइन इनवर्स है तो इसको मुझे साइन की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना. अब इसको मुझे साइन की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है तो फॉर्मूला मेरा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बनाना है. अगेन 5, 12 और 13 आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो सेम ट्राइंगल में लग रहा है, तो इट मींस ये सेम ट्राइंगल के लिए पी बी एच मुझे यहाँ से मिल जाए. तो 5/13 को साइन की टर्म्स में पुट करोगे, 12/13 को कॉस की टर्म्स में पुट करोगे, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. मैं यहाँ पे साइन की टर्म्स में क्यों पुट कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे अंदर साइन का फॉर्मूला बनाना है एज आई एम हैविंग साइन इनवर्स. यहाँ मैंने उल्टा पुट किया था, इसको कॉस पुट किया था, कॉस के साथ वाले को कॉस पुट किया था, साइन के साथ वाले को साइन पुट किया था, बट यहाँ क्योंकि मुझे कॉस इनवर्स चाहिए था, लेकिन यहाँ मुझे क्या चाहिए, साइन इनवर्स गिवन है तो साइन की टर्म्स में चाहिए. साइन की टर्म्स में बनाने के लिए इसको मैं क्या करूंगी, इसको मैं पुट कर दूंगी
साइन थीटा की टर्म्स में और इसको पुट करूंगी कॉस थीटा की टर्म्स में, तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो, सिंप्लीफाई करना है आपने इसको, जस्ट यू विल ट्राई योर सेल्फ। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If anyone is having any doubt in this question, you can ask. Now, the next question we are having, proves that secant square tan inverse 2 plus cosec square जो मुझे गिवन है उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूँ तो मुझे मैंने उसमें 10th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, सीकेंट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, दैट इज सीकेंट थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे बस ये मेन कंसेप्ट है जो आपका लगता है, अदरवाइज ये नहीं करना कि यहाँ पावर 2 है तो ये पावर माइनस 2 कर दो तो वो कैंसिल आउट होगा। आपको पता है दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द पावर, ये पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि 10 की पावर माइनस 1। सो सीकेंट स्क्वायर, इस पूरे को अगर मैं थीटा मानूं तो सीकेंट स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर। तो बस ये कंसेप्ट लगना है, बाकी सारा मेथड आगे सेम है। ये आपका बन जाएगा, this is equal to left hand side हम लेके चलेंगे, this is secant of tan inverse 2 का square plus same way में ये आपका convert हो जाएगा, this is cosec of cot inverse का square। अब इस तरह के question हमने किए हुए हैं, secant है यहाँ पे tan inverse है, cosec है cot inverse है। tan इनवर्स को आप लिखोगे secant की फॉर्म में और यहाँ पे cot इनवर्स को आप लिखोगे cosec की फॉर्म में एंड आपकी कैंसिलेशन हो जाए। अब यहाँ हमारे पास क्या है, tan इनवर्स 2, यानी कि ये मेरे को गिवन है फॉर्म कौन सी, tan इनवर्स p by b, और मुझे इसको किस फॉर्म में लिखना है, secant इनवर्स h by b की फॉर्म। तो हमने कन्वर्जन करनी है क्योंकि बाहर सीकेंट था, तो सीकेंट इनवर्स की फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट करना है। तो लेट अस सी कि अब हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, पी गिवन है मुझे 2, बी गिवन है मुझे 1, एच मुझे निकालना, एच स्क्वायर इज 4k² प्लस 1k² दैट इज 5k², तो एच आ गया √5k। तो सीकेंट इनवर्स क्या आ जाएगा मेरे पास, √5 k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आई एम नॉट राइटिंग, बेस कितना है 1, तो उसको मैं लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये मेरे पास आ गया सेकंड ऑफ सेकंड इनवर्स √5 का स्क्वायर प्लस, अब सेम वे में इसको कन्वर्ट कर लोगे, cot इनवर्स क्या होता है हमारे पास, b बाय अब इसको मुझे किस फॉर्म में लिखना है, cosec की फॉर्म में लिखना है यानी कि h by p की फॉर्म में। तो पहले सेम वे में हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी h निकाल लेंगे, h is equal to 3² plus 1² that is 10 √10, so this is cosec inverse √10, secant of secant inverse x is x, तो ये मेरा सिंप्लीफाई करके आ गया इक्वल टू 15 व्हिच इज द राइट मेन। जो बाकी सब इसमें वही था जो नॉर्मल हम करते हैं, मेन जो चीज इसमें हमारी चेंज हुई वो क्या थी कि सेकेंड स्क्वायर थीटा को हमने सेकेंड थीटा का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। यहाँ आपको ये कंसेप्ट क्लियरली पता होना चाहिए कि ये पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे ये पावर -1 नहीं है, तो ये नहीं करना कि 2 और -2 आपने
इसको secant to the power minus 2 में कन्वर्ट करेंगे तो ये कैंसल आउट होगा. इसको रीराइट करोगे secant थीटा होल स्क्वायर की फॉर्म में, cosec थीटा होल स्क्वायर की फॉर्म में, देन यू विल कन्वर्ट दिस tan inverse एंड cot inverse टू secant inverse एंड cosec inverse फॉर द cancellations एंड देन यू विल गेट योर रिजल्ट. और ये पार्ट जो आप कर रहे हो ये यहाँ पे साइड पे आपने करके दिखाना है या ऐसे नीचे करके दिखा देना. हर आपका जो भी सॉल्यूशन दे रहे हो सॉल्यूशन में कहाँ क्या यूज हो रहा है वो क्लियर कट आपका सॉल्यूशन में दिखना चाहिए. एग्जामिनर को कहीं पे भी दिमाग ना लगाना पड़े कि आपका ये स्टेप कहाँ से आए. सो दिस दीज वर सम ऑफ द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वी विल डू टुमारो. सो इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क. अदरवाइज आई एम एंडिंग द मीटिंग. If any doubt is there, you can unmute yourself and you can ask. Thank you then. Have a nice day.